हेलो एवरीवन जी, आज हम अपना नेक्स्ट व्लॉग शुरू करने लगे हैं। तो आज मैं गाँव आया हुआ था, तो मैंने कहा चलो ना आपकी किसी से मुलाकात करवाता हूँ। हाँ जी बताओ, अपने बारे में बताओ। क्या हुआ बताओ, बता नहीं रही हो। इसको ना छेड़ो, तेरा गिरा था तो नहीं जाना। आपने देखा होगा ढारी मेरे पीछे आपको नज़र आ रही होगी। तो काफ़ी अरसे बाद गांव आया हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना एक व्लॉग बना लिया जाए। तो ये साथ भाई आए हुए हैं, तो इन भैया ने अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दे। जी माशाल्लाह, आप देख रहे हैं ये जो भाई है ना, इनको वैसे बहुत शौक है व्लॉगिंग करने का। आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं? शर्म आती है मुझे। शर्म आती है? नहीं नहीं शर्म। अच्छा, आप मैंने सुना आप इधर कोई लहसुन वगैरह देखने आए थे। हाँ, जीवन। तो कैसा लगा आपको लहसुन? माशाल्लाह प्यारा खड़ा हुआ है, पर रेट बहुत ज़्यादा है यार। क्या रेट बताया इन्होंने? 3500 रुपये किलो। 3500 जी। तो ये कितनी को मतलब के वैसे वैल्यू बनती है, कितनी को रकम बनती है, कितनी आपने वैसे लेना है बीज? मैंने हाँ, मैं तो रेट सुन के परेशान हो गया यार, लेना क्या है मैंने। नहीं वैसे आपकी नीयत कितनी थी, कितना लेना था? एक एकड़ का लेना था या चार कनाल का? 25 किलो के लिए। 25 एकड़ के लिए जी। तो उसकी अप्रोक्सीमेटली अमाउंट कितनी बनती है वैसे 3500 के हिसाब से? ये तकरीबन, ये नहीं मैंने अभी हिसाब लगाया इसका। भाई वैसे लेने आए थे अभी, उनको ये नहीं पता लगा कि कितने पैसे बनते हैं। मेरे ख्याल से कोई 4-5 करोड़ के गिरत अमाउंट बन जाएगी। ज़्यादा ठीक है, तकरीबन 5 करोड़ बनते हैं। तो आप वही करोड़ों लगाएं और अरबों कमाएं, फिर वो वाला साहब है इधर। जी ये आप देख रहे हैं, ये है माशाल्लाह जी जानवर, और ये मेरे चाचू ने रखे हुए कुआ के ढारी है। ये देखे जी खोता हमारी तरफ ही देख रहा है। वो पहचान रहा है, लग रहा है हमारे रिश्तेदार आ गए। बरादरी ये देखे जी, ये बड़ा इमरान खान है, ये छोटा इमरान खान। अच्छा ये इमरान खान है? नहीं जी ऐसे ना, नहीं ये वो कर दूंगे ना। आपके चाचू गोबर उठा रहे हैं। ये चाचू नेट पे जाएगी? वो नहीं नेट पे जाएगी। हाँ ये काले नेट से की है ये। फिर मैं ना आपको तो इसी चीज के, तो शहरी लोग इसी चीज से पसंद करते हैं। ये गोया देखना, इसके देखना मिलियन के अंदर व्यूज आएंगे। आपको ना अपने ये कुएं की विजिट करवाता हूँ। बचपन में ना मैं यार इधर नहाया करता था, इस जगह पे ना मैं नहाता था, वो भी नंगो। ये वो जगह थी मेरे गांव की यादगार मेमोरी। ये आपको दिखाने का मकसद ये है कि इसमें मैं नहाया करता था कभी।
तो ये वाली जगह है, वो यादगार है। सब चीज़ चेंज हो चुकी है यहाँ पे, मगर ये जो जगह है ये चेंज नहीं हुई अभी तक। ये देखें, इधर इधर को फिर है ना, ये देखें जी, गहराई दिखाई थी। ओए यार ये बहुत गहरा, ये देखें, ये जैसा मैं छोड़ के गया था ना, ये वैसे का वैसे ही है अभी तक, अभी तक चेंज नहीं हुआ। ये आप आ जाएं, ये देख रहे हैं, ये ज़मीनें हैं हमारी, तो ये आप देख लें। काफ़ी अरसे बाद आए हैं यार, बड़ा ही मज़ा आ रहा है भाई, इधर आया हूँ ना, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखें जी, मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, यहाँ पे इस वाले दरख्त पे ना मेरे बचपन की बहुत सारी निशानियाँ हैं, यादें हैं, निशानी नहीं, यादें कह सकते हो। इस वाले दरख्त पे मैं बहुत चढ़ के जम्मू खाया करता था, जामन जिसको हम कहते हैं। इधर अमरूद के दरख्त हुआ करते थे, वो अब इधर से हमेशा से ख़त्म कर दिए हैं। नहीं वो तो बहुत दूर है ना, इधर हुआ करते थे। ये वो जगह हमारी, ये आप देख सकते हैं, माशाल्लाह यार, गांव की अपने ही रौनकें हैं। नहीं ये वाला नहीं लगाना, वो लगाना मजबूरी। आओ ये देखे जी, ये भाई शहर से आया है, इंजीनियर है। हाँ जी यार, बड़ी सफाई से काट रहे हो आप तो, ट्रैक्टर से। हाँ अरे गंदम की कटाई के लिए भी आपको ठेका देना पड़ेगा। माशाल्लाह आप ये देख रहे हैं, गंदम तकरीबन तैयार हो चुकी है, ठीक है। ये आप देखें, माशाल्लाह दूर दूर तक सिर्फ गंदम ही गंदम है, और बस अभी अन करीब इसकी कटाई शुरू हो जाएगी, दो तीन धूप लगनी है और गंदम रेडी। और अभी हम जा रहे हैं मसवाक लेने, हमें दरख्त ही नहीं मिल रहा जिसपे से हमने लेनी है। अब ये देखते हैं कहाँ पर जाके दरख्त मिलता है। ये भाई हैं, ये आए थे, क्या कहते हैं, जीवन लहसुन का सौदा करने, मगर वो बात ही नहीं बनी, रेट ही बहुत ज़्यादा। हमने साल कहा था 2500 तक होगा, वो तो भाई 3500 मांग रहे हैं। हाँ भाई असल में पता क्या, हमारी पर्सनैलिटी देख के उन्होंने 3500 का है, अदरवाइज 2500 का ही रेट है। चाचू मेरे शादीशुदा हैं माशाल्लाह, एक बच्चे के बाप हैं, और दरख्त पे देख कैसे चढ़ रहे हैं। हाँ बोलो जी, ये ना मसवाक तैयार हो रही है, चढ़ गया था कोई ऊपर से दो तोड़ तो लेता जी। ये देखें अपना, इनके ना खाने का टाइम हो गया है, अब ये जा रहे हैं चाचू, ये भैंसों को खोल रहे हैं, लंच टाइम हो गया, अब इनका डिनर टाइम ही है, ये बस लंच डिनर इकट्ठा ही है इनका। ओए ये किधर जा रही है, ओए अभी ये सीधी मेरे पे अटैक करने लगी। ये देखें माशाल्लाह, ये जी बाबा आदम के दौर का लग रहा बना हुआ है। नहीं ये तो अभी बना थोड़े दिन हुआ है। नहीं कहाँ अभी थोड़े दिन हुआ, बहुत पुराना है। ये देखे जी चारा हाउस है, ये यहाँ पे जी गंदम तैयार होता है, और ये सामने आप देख रहे हैं ये खा रही हैं वो।
इडली की बनाना जाते हैं। जी देख रहे मस्त हो गया। माशाल्लाह ये देखिए कितने आराम से लगे हैं, काश ऐसा इंसानों में भी इत्तेफाक हो। ये शादी ब्याह में ऐसे नहीं होता वैसे। ओए ये क्या हुआ, ये सीधी इधर कोई आ रही है।